1 अगस्त से लगातार चक्कर लगा रही, लेकिन मैडम कुछ मिलते नहीं। मैं एक तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को 7वां महीना चालू है। रोज़ के रोज़ डेली बीपी चेक करने के लिए बोला हुआ है, पर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता सिस्टर, तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना पड़ती है। मैडम मिलते नहीं टाइम पे, हमको ये मैडम नहीं होना यहाँ पे। आप देख रहे हैं झीरो न्यूज। झीरो न्यूज ची ब्रेकिंग बातमी। मुकुटनगर उपनगरातील मेडिकल ऑफिसर सतत मीटिंगमध्ये, गोरगरीब रुग्णाच्या आरोग्य सेवेची ऐशी की तैशी। अहमदनगर शहरात सध्या बदलत्या वातावरणामुळे सर्दी, ताप, अंगदुखी साथीच्या रोगाने थैमान घातलेले आहे। सरकारी रुग्णालयासह खाजगी रुग्णालयामध्ये सर्दी, ताप आणि अंगदुखीचे रुग्ण मोठ्या संख्येने वाढले आहे। असे असताना मुकुटनगर उपनगरातील महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नलिनी स्तोरात या वेळेवर हजर राहत नसल्याने पेशंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आणि तक्रारी आहे। साधारण दिवसात डॉक्टर आपल्या मर्जीनुसार ओपीडी करतात आणि जात असल्याने गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्य सेवेची अशी की तशी होत आहे। याबाबत मेडिकल ऑफिसरशी मोबाईलवर बोलणे केले असता मी मीटिंगमध्ये आहे असे उत्तर मिळाले। पेशंटचे म्हणणे आहे की वारंवार चक्रा मारूनही डॉक्टर भेटत नाही। गरोदर महिलांचीही याबाबत मोठी तक्रार आहे। याबाबत मनपा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बोरगे यांच्याशी झीरो न्यूजने बातचीत केली असता कोणत्याही प्रकारची आज मीटिंग नाही, आज रजेचा अर्जही नाही असे ते म्हणाले। सध्या पावसाळा सुरू असून वातावरणाशी अचानक बदल होत आहे, त्यामुळे साथ रोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे। सर्दी, खोकला, ताप असलेल्या रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे। पोटदुखी, टायफॉईड, कावीळ तसेच व्हायरल फ्ल्यू, डेंग्यू सदृश रुग्ण अशा रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे। खाजगी हॉस्पिटलमध्ये महागडे औषधोपचार सर्वसामान्य पेशंटला परवडत नाही, अशावेळी मुकुटनगर महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात पेशंटच्या तक्रारीनुसार जबाबदार डॉक्टर वेळेवर हजर नसेल वा डॉक्टरांना साथीच्या रोगाच्या वेळी मीटिंग असेल तर रुग्णालयाच्या आरोग्य सेवा वाऱ्यावर आहे, याला जबाबदार कोण? अहमदनगर महानगरपालिकेचे महापौर, मनपा आयुक्त, मनपा आरोग्य अधिकारी कोण मुकुटनगरच्या दवाखान्याकडे लक्ष देणार ते जाहीर करावे। सिविल हॉस्पिटल है हमारे मुकुटनगर में, हम यहाँ पे रोज़ आ रहे पर मैडम मिल रहे नहीं, और 1 अगस्त से लगातार चक्कर लगा रहे, लेकिन मैडम कुछ मिलते नहीं। मैं एक तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को 7वां महीना चालू है, और मेरे को बेड रेस्ट बोला हुआ है, रोज़ के रोज़ डेली बीपी चेक करने के लिए बोला हुआ है, पर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता सिस्टर, लोग बीपी चेक करके भेज देते। दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना पड़ती, मैडम मिलते नहीं टाइम पे। हमको ये मैडम नहीं होना यहाँ पे। यहाँ पे इसके पहले मोलकर सर थे, मोलकर डॉक्टर, तो वो सही से ट्रीटमेंट देते थे, पेशेंट को भी सही से बात करते थे और चेक भी बराबर करते थे। यहाँ पे इनको इतना टाइम हो जाता है, एक तो 15 मिनट के लिए आते, वो 11:30 का टाइम दिया हुआ है, 11:30 बजे आए तो मैडम नहीं, फिर आए के बाद में भी तो मैडम नहीं, फिर उसके बाद में वो रहते यहाँ पे बैठे हुए बोलते मैडम आज इधर गए, आज विजिट पे है, बाहर है, तो ये ऐसा चलेगा तो फिर कैसे आगे पेशेंट लोग आएंगे, कैसे डॉक्टर का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हमारे को। हमको यहाँ पे डॉक्टर दूसरे चेंज करके होना, जो पहले डॉक्टर थे मोलकर डॉक्टर, उनको वापस से यहाँ पे बुलाओ, वो अच्छे से ट्रीटमेंट करते थे, अच्छे से देते थे। यहाँ पे मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, रोज़ रोज़ पैसे डालूँगी। हमको सिविल हॉस्पिटल की मदद के जरिए करे हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा।